चलिए अब इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। अगर आप ब्रॉडली देखें तो जो टीआर का नेचर है, पहले टीआर राइज करता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर फॉल करता है। पहले टीआर राइज, फिर मैक्सिमम और फिर फॉल। टीआर पहले राइज करता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर क्या करता है, फॉल। किसी भी कर्व का अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट दिखाना है तो आप उस पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। किसी भी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट को दिखाने के लिए आप उस पर एक टेंजेंट बना दो, जहां जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है। अब उसके बाद वाई एक्स आउटपुट रेवेन्यू, जहां टीआर मैक्सिमम है वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन लियो, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखिए जब टीआर राइज कर रहा था, एमआर फॉल कर रहा था, ध्यान से देखिए, जब टीआर राइज कर रहा है एमआर क्या कर रहा है, फॉल, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव। व्हेन टीआर इज मैक्सिमम द एमआर इज जीरो, व्हेन टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग एमआर बिकम्स नेगेटिव, उस समय एमआर हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। आप देखो टीआर एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट कैसे रिलेशनशिप ले रहा है, जब टीआर राइज कर रहा है एमआर फॉल कर रहा है, बट इट इज पॉजिटिव। व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज जीरो, व्हेन टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग एमआर बिकम्स नेगेटिव। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी मार्केट स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब लिखा हुआ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, आपको दोनों मार्केट स्पेसिफाई करके आनी है, परफेक्ट कंपटीशन भी प्लस इम्परफेक्ट भी, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बट अगर कोई मार्केट स्पेसिफाइड है तो फिर आपको दोनों जो स्पेसिफाइड मार्केट है सिर्फ उसी के अंदर आंसर लिख के आना। यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड टीआर एंड एमआर, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको परफेक्ट कंपटीशन में जो पढ़ाया और इम्परफेक्ट दोनों के आंसर वहां पर लिखकर आने हैं। ठीक है जी, तो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ रेवेन्यू।